फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ स्क्वाट्स वाली एक्सरसाइजेस जो आपके थाइस के फैट को कम करेंगी, हिप्स को परफेक्ट शेप में लेके आएंगी और साथ ही साथ लोअर बैली के फैट को रिड्यूस करने में भी आपकी काफी हेल्प करेंगी। ये एक्सरसाइजेस सिर्फ फैट रिड्यूस नहीं करती हैं, बल्कि साथ में आपके पैरों को स्ट्रेंथनिंग भी देती हैं। ये सारी ही एक्सरसाइज स्क्वाट्स का ही वेरिएशन है, इनको हमने अलग अलग तरीके से किया है। सबसे पहले बेसिक स्क्वाट्स क्या होता है, कैसे करते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक स्क्वाट्स से अलग मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। बेसिक स्क्वाट्स अगर आपने नहीं देखा है, नहीं आपको पता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि स्क्वाट्स आपको किस तरीके से करने चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो चलिए आज के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट एंड स्ट्रेच। स्क्वाट एंड स्ट्रेच करने के लिए इस तरीके से पोजीशन लेंगे, स्क्वाट स्ट्रेच लेफ्ट, स्क्वाट स्ट्रेच राइट, यानी कि फुल स्क्वाट करना है और फिर लेफ्ट में पूरा स्ट्रेच करेंगे। जब आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो आपके साइड में यहाँ पे पूरा आपको एक स्ट्रेच क्रिएट होगा नीचे तक, जो आपके फैट लॉस में काफी हेल्प करेगा। स्क्वाट स्ट्रेच यानी फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट एंड स्ट्रेच। इसके आपको मिनिमम 10 रिपीटेशंस करने हैं, फिर धीरे धीरे इसके रिपीटेशंस को आपको इंक्रीज कर लेना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन सही होनी चाहिए, आपके घुटने आपके टोस से आगे नहीं आने चाहिए, घुटनों में आपको प्रेशर फील नहीं करना है। इस तरीके से हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए नीचे आएंगे एंड वापस। अब देखते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए पैरों के बीच में इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा गैप देंगे, जितने भी आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। अब नीचे इस तरीके से स्क्वाट्स एंड बैक, इसको हम बोलते हैं सूमो स्क्वाट्स। ये बहुत अच्छी हिप ओपनर एक्सरसाइज है, इससे आपके हिप का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी रिड्यूस होता है और साथ ही साथ पैरों की स्ट्रेंथनिंग भी होती है। स्क्वाट, आप कमर को सीधा रखेंगे, आप इस तरीके से। ये एक्सरसाइज भी लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नाउ जो थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से पैरों के बीच में गैप देंगे, स्क्वाट की पोजीशन में आ जाएंगे एंड होल्ड हेयर। यहाँ पे होल्ड करने के बाद में अपने एक हाथ को अपोजिट साइड के नी पे रखेंगे और इस तरीके से साइड में बैंड, रिपीट, बैंड एंड दिस इज कॉल्ड द स्क्वाट बैंड। इसी पोजिशन में आपको इस तरीके से बैंड करना है, इससे आपकी लोअर बॉडी के साथ साथ आपकी कमर का फैट भी रिड्यूस होगा और बेली फैट को कम करने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको भी मिनिमम आप 10 रिपीटेशन से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे टाइमिंग्स को इंक्रीज कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, स्क्वाट जंप, स्क्वाट जंप, स्क्वाट जंप, स्क्वाट जंप। इस तरीके से आपको जंप करना है, स्क्वाट करने हैं। इससे क्या होता है, जैसे स्क्वाट हमारी एक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, जंप के साथ जो हम इसको करते हैं तो ये कार्डियो एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी फैट लॉस में काफ़ी हेल्प करती है। ये तो आप सब जानते हो, फैट लॉस करने के लिए हमें कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कार्डियो एक्सरसाइज हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है और फैट को बर्न करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब देख लेते हैं हमारी फिफ्थ स्क्वाट एक्सरसाइज। यहाँ मैंने आपको बेसिक स्क्वाट्स कैसे करते हैं वो नहीं बताया है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बेसिक स्क्वाट्स कैसे करते हैं, इसका वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो है इसको करने के लिए इस तरीके से स्क्वाट्स की पोजिशन में आएंगे और इस तरीके से वॉक करते हुए मैट के दूसरे एंड पे जाएंगे, लाइक दिस एंड बैक, इस तरीके से। जितना आपके पास स्पेस है उतना देर आप इस तरीके से स्क्वाट में वॉक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पैरों की स्ट्रेंथनिंग होती है और आपके थाइस का फैट रिड्यूस होता है। इस तरीके से आप अलग अलग वेरिएशन करके स्क्वाट को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लोअर बॉडी को परफेक्ट शेप में लेके आ सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन एक्सरसाइजेस जरूर पसंद आई होंगी। इस तरीके की और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।